ओके चलो, नमस्ते आप सभी को। अब जरा समझना, बक पृष्ठ इसका अलग चीज हो जाएगी, इसी को हम कहेंगे तिरछा पृष्ठ। ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे नाम है। जैसे कोई आपसे पूछे तिरछा पृष्ठ, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, बक पृष्ठ। बक पृष्ठ कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। जब आप इसको बांध रहे हो तो पाई आर तो मिलेगा, पाई आर तो मिलेगा, लेकिन इसमें एच नहीं दिखता, ये समझना पड़ेगा। एच जो होगा वो दिखेगा नहीं, एच बिल्कुल बीचों बीच होगा, एच नहीं दिखता, टच नहीं होगा एच। ये नीचे क्या कहलाएगा, नीचे ध्यान से समझना जरा, नीचे ये बिल्कुल बेलनाकार होगा, नीचे जो होगा ये बिल्कुल बेलनाकार आकृति होगी, नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा, इस तरह की आकृति होगी, नीचे बेलनाकार, ऊपर इस तरह से होगा, ठीक है। नीचे से आपको बेलन ही है ये, और बस झुकना चालू हो जाता है आदमी। तो पाई आर तो मिल जाएगा सर, पाई आर तो मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई मतलब गोलाई और आर मतलब ये त्रिज्या हो गई। अब इसमें एक चीज होती है, क्या होती है, एल। तो पाई आर एल क्या हो गया, पाई आर करते हैं इस एल की। तो जब आप देखोगे, जितना मैं दिखा रहा हूं उतना देखना जरा, ए बी सी देखो जरा, ए बी सी में तो ये हो जाएगा आर और ये क्या हो जाएगा, एच। पाइथागोरस प्रमेय देखेगा तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण कितना है एल, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन कितना हो जाएगा, आर का वर्ग, वर्ग हटेगा क्या निकल जाएगा, वर्गमूल। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में सबको, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसका देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ, बहुत कम लगता है भैया ये फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ का। तो सीधी सी बात, पाई आर आर प्लस एल, कल अगर आपको याद हो रहा होगा तो 2 पाई आर आर प्लस एच इस तरह से होता था, वहीं पर हो जाएगा पाई आर प्लस आर प्लस एल। क्लियर है, संपूर्ण पृष्ठ बहुत रेयर केस में लगता है जब आपको कभी पेंट करना पड़ेगा, वरना सारी चीजें इसके आसपास खत्म हो जाती है, कुछ एक चीजें इस पर आ जाती है। क्लियर है, ध्यान रखना, बक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, जब भी आपको कोई भी तंबू बनाना है इसमें कागज कितना लगा है, ये संपूर्ण पृष्ठ नहीं बताएगा, ध्यान रखना। इसमें कागज कितना लगा है ये बक पृष्ठ बताएगा, इसमें के अंदर कितना सामान बन जाएगा, कितनी चीजें बन जाएंगे ये आपको आयतन बताएगा, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, धारिता भी कहते हैं इसी को, कितनी बनेगी, आयतनी को क्या बोलते हैं, धारिता। ध्यान से समझना तीनों के फॉर्मूले, इतनी आगे बात समझ में। इसका पहला ही क्वेश्चन करते हैं, लिखो जरा, लिखो क्वेश्चन, लिखो, मैं भी लिख रहा हूं आप भी लिखो। लिखो, एक शंकु की ऊंचाई और व्यास, एक शंकु की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई और व्यास क्रमशः 4 और 6 मीटर है, ये 4 है और ये 6 मीटर है। आपको ज्ञात करना है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बताओ, ऊंचाई दी है, व्यास दिया है, आपको तिरछी ऊंचाई बताना है। बता पाओ तो जल्दी से बता दो जरा, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से कर रहे हैं हम, आराम से, जल्दी से करो आंसर। अगर आप समझ पा रहे हो के एक बेस बुनियाद के लिए क्वेश्चन काफी जरूरी है, कि ऊंचाई जो है वो कितनी दी है, 4 और व्यास 6 दिया है। समझो जरा, नीचे का पोर्शन मैंने बताया, शंकु का नीचे का पोर्शन ये है, और व्यास कितना दिया है, 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय आप खूब लगाए हो, 4 चौके 16, 3 तिरका 9, तो 5 ये हो जाएगा 25, वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा, वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5। आ गई अब ध्यान से समझना, मैंने तिरछा पृष्ठ नहीं पूछा है, तिरछा पृष्ठ मैंने पूछा है, तिरछी ऊंचाई, तो शब्दों पर ध्यान देना है, क्या पूछा है, तिरछा पृष्ठ पूछा है, तब आपको पाई आर एल लगाना है, मैंने तिरछी ऊंचाई पूछी है, तो कितनी आ जाएगी, 5, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। क्लियर है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से सीखते जाना। लिखो, 8 मीटर ऊंचा, 8 मीटर ऊंचा 12 मीटर, 8 मीटर ऊंचा
12 मीटर व्यास, व्यास समझते हो ना, व्यास कंफ्यूज मत हो ना, व्यास परिधि ये सब सब तो पता होना चाहिए कि शंक्वाकार तंबू के निर्माण में के शंक्वाकार, शंक्वाकार यानी कौन के शेप में, शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी, कितनी चादर लगेगी, करो आराम से देखते जाना, चीजें समझ में आए तो पूछते जाना, आओ तब लिखना जब समझ में सब कुछ आ रहा हो। जी सर भी लिख सकते हैं वैसे, नौ साठ पाई, अच्छा दो आंसर आ गए, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है आपकी। सबसे पहली बात फॉर्मूला कौन सा लगेगा, चादर पूछी मैंने अभी बताया था, कौन सा लगेगा पाई आर एल, क्या गिवन नहीं है एल, देखते हैं जरा क्या क्या दिया है, ऊंचाई दी है कितनी दी है आठ, और व्यास कितना दिया है बारह, व्यास कितना दिया है बारह, जब व्यास बारह दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी छह, त्रिज्या कितनी हो जाएगी छह। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इससे हमारा क्या निकल आएगा एल, क्या निकल आएगा एल, क्योंकि त्रिज्या तो मिल गई 22 बटे 7, त्रिज्या कितनी मिल गई 6, अब एल चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए है एल। इतना आ रहा है समझ में, अगर क्योंकि क्वेश्चन में मान नहीं रखा है तो 22 बटे 7 का मान नहीं रख रहे हैं, पाई की जगह पर पाई रख रहे हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कितना हो जाएगा आधार का वर्ग, तो पाई आर एल, 8 नहीं 64, 6 छिंग 36 कितना हो जाएगा 100, वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा वर्गमूल, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, तो 6 धाम 60 पाई। इसी में अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना जरा, आराम से बन भी जाएगा। इसी टाइप में देखो, एक शंक्वाकार तंबू का आधार, एक शंक्वाकार, ज्यादा घबराना नहीं, शंक्वाकार कौन से कहलाते हैं, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है तथा ऊंचाई, ऊंचाई दी है एच ना कि एल, ऊंचाई दी है एच तथा ऊंचाई 24 मीटर है, तथा ऊंचाई 24 मीटर है, इसके निर्माण में, इसके निर्माण में, इसके निर्माण में ढाई मीटर चौड़ाई का, ढाई मीटर चौड़ाई का, ढाई मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा, कितना लंबा कपड़ा लगेगा, करो आराम से तो बन भी जाएगा, करो जरा जल्दी से, 325 पाई, अच्छा पाई का मान रखना है इस बार, पाई का मान रखना है इस बार, आराम से करोगे तो बन जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, व्यास दे रहा है, व्यास, व्यास को समझो, व्यास कितना है 14, नीचे से आपका जो बेलन है, जो शंकु है वो नीचे से इसी शेप में दिखता है शंकु, ठीक है, ऊपर से इस तरह से दिखता है, ये शंकु की खासियत, बेलन आगे से भी यही और पीछे से भी यही दिखता है, बस ध्यान रखना। अब आगे समझना जरा, तो त्रिज्या कितनी मिल गई 7, त्रिज्या कितनी मिल गई 7, और आपको ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है क्या आपको, हाँ ऊंचाई कितनी दी है 24, ऊंचाई कितनी दी है 24, इससे क्या निकाल लोगे आप, त्रिज्या मिल गई 7 और ऊंचाई मिल गई 24, इससे आप क्या निकाल लोगे, त्रिक ऊंचाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 7 × 7 = 49 ये हो जाएगा 576 होता है, इसको जोड़कर कितना मिल जाएगा 625 हो जाएगा, ये जोड़कर के नहीं हो जाएगा, हो जाएगा तो वर्ग हटेगा वर्गमूल आएगा, तो एल कितना निकल आया, एल कितना निकल आया 25। एल क्यों निकालना, क्योंकि सबसे पहले तो यही पता होना कि कितना कपड़ा लगेगा, जैसे ही हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल, तो भाग कितने का दे दोगे ढाई का, पाई भाग कितने का दे दोगे ढाई का, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, पाई आर एल से ही पता चलता है इसमें कितना कागज लगेगा।
आ रहा है समझ में, कितनी चीज बनेगी इस, ये पता लगाता है आयतन वॉल्यूम, और इसको पेंट करने में कैसा खर्चा आएगा वो चीज जो पता होती है वो किससे निकलती है, पेंट में, क्योंकि अंदर भी पेंट करोगे वो संपूर्ण पृष्ठ से निकलती है, टोटल सरफेस एरिया से। चलो तो यहां पर मान रख लेते हैं आराम से, तो 22/7 इस तरह से आ जाएगा। आर का मान कितना दिया है 7, गुणित कह 25/ कितना हो जाएगा 2.5 पाई, आर का मान 7, एल का मान 25 और 2.5 नीचे लिखा है क्योंकि चौड़ाई पूछी है। एक एक इस तरह से स्पेस बनाना है पेपर से, एक पेपर है उससे आपको बनाना है, इस तरह का कोई पेपर है उससे आपको शंकु बनाना है, ये समझ में आ रहा होगा उम्मीद ऐसी मुझे पूरी है। चलो काटना चालू करते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल, 2.5 एकम 2.5, 2.5 धाम कितना होता है 25 और 22 गुणित गए 10 मतलब कितना हो जाएगा 220। वेरी गुड सब पाश। एक शंकु की ऊंचाई 5:8 है, एक शंकु की ऊंचाई दी है 5:8, व्यास का अनुपात है, व्यासों का ध्यान रखना, व्यासों का अनुपात है मतलब 2R बराबर दिया है दोनों, 3:8 व्यास का अनुपात है, 3:8 उसके आयतनों का अनुपात निकालना है, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात आराम से करो, हो सकता है बन जाए हो सकता है ना बने, कोई बात नहीं हम बताएंगे आपको। चलो बैठे बैठे क्या करें, आयतनों का अनुपात निकालना है तो लिखना चालू करते हैं पाई आर स्क्वायर एच 1/3 का एटीट्यूड और इसमें 1/3 का एटीट्यूड, इतनी बात आगे समझ में, पाई से पाई तो उड़ जाएगा ये उड़ जाएगा। अब ये चूंकि आयतनों व्यास का अनुपात है तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगी त्रिज्या 3/2, ऊंचाई तो ज्यों का त्यों आएगी तो त्रिज्या 3/2 का वर्ग, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन समझाने के लिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 आप चाहो वहीं पढ़ा सकते हो है ना, लेकिन फिर भी कर दे रहा है। एच कितना हो जाएगा पहले में 5:5 8/2 का वर्ग, अनुपात कितना हो जाएगा 8, इतनी बात आगे होगी समझ में। तो 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 अनुपात 5 अनुपात, चाहो तो इसको काट लो या नहीं काटना हो तो नहीं काटो वो ज्यादा सही रहेगा ठीक। तो 8 अठैया 64 और 2 दूनी 4 8, इतनी बात भी आ गई होगी समझ में। तो आप इसको काटो, सामने से सामने चीजें कट जाते हैं क्योंकि त्रिक गुणा होता है, 8 9 पन्ना होता है, 9 पन्ना 45 और 64 8 होता है 512। बोलो अगला क्वेश्चन, चलो लिखो। 16 मीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु का आधार 16 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई दी है 16 मीटर, 16 मीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु का आधार आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तदानुसार उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है आपको। मतलब समस्या यह है कि आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, क्लियर, पाई आर स्क्वायर एच, कोशिश करो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है और ना बने तो आगे पीछे के लिए हम हैं ही। करो, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। समस्या बनाना चालू करते हैं, भगवान ने ऊंचाई दी है 16, हे भगवान हमें क्या दे दो, त्रिज्या दे दो, परिधि दी, त्रिज्या चाहिए थी। अब आपको जरा समझना परिधि क्या कहलाएगी, इसकी परिधि तो बेटा व्रत ही होगी, इसकी व्रत परिधि क्या होगी, व्रत, जो व्रत की परिधि होगी वही इसकी परिधि होगी, क्योंकि परिधि गोलाई सबसे नीचे तो यही होगा, तो हमने लिखा 33, यहां पर लिख दिया 33, यहां पर क्या हो जाएगा
पाई आर। आ गया समझ में कि इतना नहीं आया। 2 पाई आर बराबर हम 33 लिख देंगे। इतनी बात अगर हजम हो गई हो तो लिखो हो फटाफट। चल आगे बढ़े। हम बैठे थे, हमने कहा का करें का करें का करें, तो 2 22/7 यहां पर आर बराबर कितना कर दिया 33। 11 2 22 और 11 3 कितना हो जाएगा 33। इतनी बात पे हो गई होगी समझ में। तो ये 7 3 कितना हो जाएगा, ये उस तरफ देखो सामने से सामने चीजें कट जाती क्योंकि त्रिक तो गुणा होता है। तो ये 2 2 कितना हो गया 4/7 आर बराबर 3। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 21/4। 21/4 कितना हो जाएगा 4। इतनी बात भी आ गई होगी समझ में। अब बस मान रखना चालू कर देना, इसी का इंतजार था। 1/3 पाई मतलब 22/7 आर मतलब 21/4 गुणित गए 21/4। एच का मान कितना दिया है 16, तो 4 चौके 16, तो 16 से 16 क्या हो गए कैंसिल। 3 7 1 7 7 3 21, 3 से 3 भी क्या हो गए कैंसिल। 22 में हमें गुणा कितने का करना है 21 का। 22 में जब हम गुणा 21 का करेंगे तो 462 आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दे दूं कि अभी रुक जाऊं? देखो जरा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो आराम से करना, ये करके दिखाओ तो मजा आ जाएगा। ऑप्शन भी दे दूंगा अच्छा इसमें। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय, एक लंब वृत्तीय बेलन, पूरा लिख रहा हूं, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय और उसके आधार का क्षेत्रफल, क्रमशः उसके आधार का क्षेत्रफल क्रमशः ए वर्ग सेंटीमीटर या ए मान लो आप और बी वर्ग सेंटीमीटर है और बी वर्ग सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं आराम से देखना। पहला ऑप्शन है 2a अपॉन अंडर रूट पाई बी। दूसरा ऑप्शन है, इधर लिख दे रहा हूं दूसरा ऑप्शन, इधर ही चल जाएगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है a अंडर रूट b अपॉन 2 पाई। ये करके दिखाओ जरा मजा आ जाए मेरे को भी, समझ जाएंगे क्योंकि लॉकडाउन में बहुत पढ़ रहा हूं। ए अपॉन 2 अंडर रूट ए बी अंडर रूट पाई बी और लास्ट है टी ए अंडर रूट पाई अपॉन 2 अंडर रूट बी। ये करके दिखाओ, ये बन जाए तब है बातचीत, तब कहलाओगे माहिस्मती बाहुबली। ऑप्शन है एक आध वाला, हाँ चलो ठीक है करो। एक लंब वृत्ति बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है ए, इतना समझा दे रहा हूं, वक्र पृष्ठ दिया है ए, आधार का क्षेत्रफल दिया है बी, तब ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तब ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। करो चलो देखें बैठे बैठे क्या करें। उसने कहा वक्र पृष्ठ दिया है ए, तो हमने लिख दिया वक्र पृष्ठ बराबर ए, आधार का क्षेत्रफल दिया है
यार आधार का क्षेत्रफल बी दिया है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इसको समझना जरा। मैं बार बार कह रहा हूं आकृति को समझो। आप देखो वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है 2 पाई आर एच। चलो और ये कितना हो जाएगा ए। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, यही होगा आधार का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त कहलाएगा आधार। तो समझो ना यार, नीचे तो वृत्त ही बना है ना, सबसे नीचे आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मेरे पैर जो है, आपने भगवान के वो देखे होंगे पुरानी पिक्चरों में चिन्ह छोड़ जाते थे, तो वो उनका आधार था ना पैर, तो स्टेप छोड़ गए, तो आधार इसका यही रहेगा। ऐसे रख के देखोगे जब शंकु या बेलन जो कुछ भी है उसका आधार क्या रहेगा, आधार तो यही रहेगा ना बेटा जी, यही है ना आधार, यही रहेगा। तो आधार ये रहेगा तो आधार क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो वृत्त कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर बी। अब यार ये अपन ने रख लिया प्रश्न से, अब ऊंचाई ज्ञात करना। अब अपन ने ऐसे खड़े हो गए यार, ऊंचाई कैसे निकलेगी यार, हम कुछ ऐसा कुछ कर कमाल कि ये बी हो जाओ, है ना। सारा मटेरियल ए के बराबर चाहिए, परेशान कौन कर रहा, पाई आर। अच्छा इसमें से पाई आर अगर हटा दो, इसमें से पाई आर बराबर ये आ जाए, तो यहां पर एच का मान सीधा सीधा निकल आएगा। तो हमने यहां पर लिखा 2 पाई आर एच बराबर ए। अब इसी को क्यों लिया, क्योंकि हमें एच चाहिए, ऊंचाई चाहिए। आराम से देखते जाना, हमने क्या किया इसको ऐसे बनाना है। हमने कहा चलो यार दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो वर्ग, इस तरह से हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग। अरे बोलो जोर से, समझ में आ गया, बोल तो सकते नहीं, लिखो जोर से। तो हमने यहां पे लिखा वर्ग जब करोगे, वर्ग जब करोगे तो आप ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से समझते जाना, समझ में भी आएगा मजा भी आएगा, है ना। आराम से, दिक्कत मत करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, लगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई तो इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई में गुणा कर देना, आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर कितना होगा ए स्क्वायर। इसका आपको मान दिया है, इसका मान कितना दिया है बी, बस इसी को हटाना था क्योंकि हमें एच का मान चाहिए बस। तो यहां पर हमने 4 पाई और यहां पर कितना कर दिया बी इंटू कितना हो गया एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में सबको, इतनी बात आ गई समझ में बच्चों सबको। चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखते जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एच स्क्वायर को यहीं पे छोड़ दो, ए स्क्वायर यहां लिख दो, ये सब गुणा में सब कुछ कहां चला जाएगा, भाग में। कहां चला जाएगा, भाग में, भाग में नहीं भाग में, है ना। तो अब वर्ग हटेगा, क्या लग जाएगा वर्गमूल, क्या लगेगा वर्गमूल ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई बी। इतनी बात समझ में आ गई, ए स्क्वायर का वर्ग होता है ए, 4 का वर्ग होता है 2, जिसके वर्ग होते हैं वो आ जाएंगे बाहर और यहां पे लिखेंगे पाई बी, क्या लिखेंगे अंडर रूट पाई बी, और ये आंसर काय का होगा सी का। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो जरा, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज के दिन का, अगला क्वेश्चन आराम से करना। देखो कैसे कैसे किया है, सोचो विचार करो और फिर से वीडियो शुरू से देखो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना तो आप लिख भी लेना, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया करो, ऊपर लाइक बटन होता है, लिखा करो, कभी कमेंट किया करो। मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं अजीब सा लगता है, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, मेरे को अजीब सा लगता है, ये क्यों बोलते लोग, है ना। करें तो करें, ना करें तो ना करें, क्यों करें, है ना, लेकिन कर दिया करो, लोग कहते तो मैं भी कहना चालू करूंगा। खैर कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन, हाँ लिखो जरा मजा आएगा आपको। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु चालू हो गया, एक शीर्ष सुनो करो, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या
आधार की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर है, 1.6 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर, शब्दों पर ध्यान दो, पिघलाना कौन से फॉर्मूले से होता है, उसे पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया, लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया, शंकु में ढाला गया, क्लियर है, ढाला गया, तदनुसार शंकु की ऊंचाई, याद आ रहा होगा कई लोगों को बहुत कुछ, बहुत धन्यवाद कर देते हो तो बहुत बहुत अच्छे, रिश्तेदारों परिवार में कर दिया सेंड, जैसे अपने चाचा आचा हैं वो भी खुश हो जाए, अरे वाह लड़के ने क्या सेंड किया है, देखेंगे इतने हैंडसम टीचर को वो भी खुश हो जाएंगे, है ना, सेंड कर दिया करो आप तो, जिस चाहे जो चाहे को, है ना, दिखाया करो कुछ, देखो क्या बेहतरीन हैंडसम टीचर पढ़ा रहा है। शुरू करते हैं, अब पिघलाना तो समझ जाओ यार, पिघलाओगे कैसे समझ जाओ, कई बार बता चुका हूं, जब किसी भी व्यक्ति को पिघलाओगे तो हड्डी भी पिघलेगी, मांस भी पिघलेगा, खून भी पिघलेगा, सब कुछ पिघलेगा, मतलब पिघलेगा तो काय काय से पिघलेगा, आयतन से, ये समझ लो पहले, बक पृष्ठ से पिघलेगा नहीं क्योंकि ऊपर ऊपर का निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ में केवल खाल बस पेंट हो जाएगी, वो सुनिए, पिघलाना है तो पूरा पिघलाना है, आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक, अच्छी बढ़िया तरीके से पिघलाओ। अब यार एक तरफ पिघलाया है तो एक तरफ शंकु है, पहला शंकु है जो बड़ा सा है तो उसमें है 1/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गोल को गोली में आपको पिघलाना है ना, इस वजह से पाई पाई मतलब गोलाई होती है, वो अलग हो गया। अब यार त्रिज्या बची तो 1/3 इसकी शंकु की ऊंचाई दी है 3.6 ऊंचाई दी है, त्रिज्या कितनी दी है 1.6 और 1.6, पहले त्रिज्या लिख लो, 1.6 गुणित गए 1.6 गुणित गए 3.6 ऊंचाई अनुपात, इसकी केवल क्या दिया है आधार 1.2 क्या दिया है 1.2 त्रिज्या दी है, 1/3 ये भी काटे तो काय को बार बार 1/3 आगे तक आ रहा है, अब 1.2 गुणित गए 1.2 और ऊंचाई याद करना तो लिख दिया अपन ने h। अब जितनी चीजें ये देखो इनको दोनों को कायम रखोगे बराबर में क्योंकि इसी को पिघलाकर ये बनाना है, जब पिघलाकर उसी से ये बनाना है तो बराबर में होगा चीजें, है ना, और ये सारे बटे में रहेगा तो 1.6 गुणित गए 1.6 गुणित गए 3.6 1.2 गुणित गए 1.2 बराबर एच, दशमलव से दशमलव 4 चौके 16 इतनी बात आ गई समझ में, तो ये हो गया 4 गुणित गए 3/6 3 तरका 9 9 एकम 9 9 चौके 36 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, और इन सब का आप क्या कर लोगे गुणा, इन सब का आप आपस में क्या कर लोगे गुणा, तो 4 चौके 16 16 चौके 64 4.6 कोटि कोटि नमस्कार, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैं बोल रहा हूं एक मिनट देखना, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, करना हो करें और ना करना हो ना करें, कोई मजबूरी नहीं है आपकी। नमस्कार, मिलते हैं कल एक नई आकृति के साथ, धन्यवाद।